शुरुआत होने के साथ ही मुश्किलों का दौर, राइडर्स के सामने एक के बाद एक मुश्किल बाधाएं, लेकिन बुलंद हौसलों और घोड़े की लगाम को थामे राइडर्स की बेहतरीन कमांड के साथ पार होती बाधाएं। नजारा आरबीसी क्रॉस कंट्री ग्राउंड का था और मौका एशियन गेम्स वन स्टार इवेंटिंग की दूसरी सीरीज क्रॉस कंट्री का था, जिसमें देश के अलग अलग कोनों से आए राइडर्स ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। जान को जोखिम में डालने वाली बाधाएं और उस पर रफ्तार के साथ घोड़े का संतुलन, देश के कुल 46 राइडर्स के पास 7 मिनट 11 सेकंड में करीब 4400 मीटर के एरिया में लगी 21 बाधाओं को पार करना था, जिसमें उन्होंने वाटर जंप, कूपन जंप, रथ जंप, स्टेप डाउन जंप और ब्रश इन वाटर को तेज रफ्तार के साथ पार किया। बता दें कि यहां से क्वालिफाई करने वाले राइडर्स नवंबर में दिल्ली में होने वाले दूसरे ट्रायल में हिस्सा लेंगे। Oh!
We are school friends. Okay. International institution, which decides for not their standards. Nandan Command. Poor. Somebody was asking. ये पहला ट्रायल होते हुए तो अभी वी नीड टू प्रैक्टिस मोर बिकॉज अभी 5 ट्रायल और बाकी हैं और गुड एक्सपोजर 2 मेरा क्लियर राउंड नहीं था ए विद 1 रिफ्यूजल बट स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ माय हॉर्स दैट ही क्लियर्ड एंड ही कॉट द फिनिश लाइन थोड़े ग्रे एरियाज हैं वेयर आई नीड टू वर्क मोर सो आई विल वर्क इन ड्रेसाज एंड क्रॉस कंट्री में ये दूसरा फेज था इवेंटिंग का जिसको क्रॉस कंट्री जंपिंग बोलते हैं इसमें आज हमारे 21 जंप थे 21 जंप में कुछ कॉम्बिनेशन थे वो कॉम्बिनेशन मिला के 26 जंप्स थे 48 राइडर्स थे 48 में से करीब करीब 15 राइडर इस कोर्स को पार नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ करके वापस आ गए हैं बाकी सब सेफली हमारे पास आ गए सबसे बड़ी बात क्रॉस कंट्री के बाद हमारी ये होती है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक खेल है इसमें लोगों घोड़े को चोट लग सकती है सवार को चोट लग सकती है कि हमारे सारे राइडर और घोड़े आज बिल्कुल सेफ हैं सारे के सारे यहाँ एक ही घोड़ा गिरा और राइडर गिरा वो भी सेफ है एंड एवरीथिंग इज़ ऑल राइट तैयारी हमारी जो है पिछली एशियन गेम के बाद से ही चल रही है ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जो जीता जा सकता है ओवरनाइट तैयारी से तो पिछली एशियन गेम्स में हमने जो अपनी कमियां थी ये उनको नोट किया जो हमारे आगे होनहार घोड़े और सवार हैं उनको आइडेंटिफाई किया और पिछले 3 साल से लगभग हमारी तैयारी चल रही है और अभी एशियन गेम्स अगले साल जो अगस्त में जकार्ता में होनी है उसकी तैयारी हमारी जोरों शोरों से चल रही है इस तैयारी के लिए हमने बहुत से इंडियन कोचेस और फॉरेन कोचेस की सर्विसेज राइडर्स को उपलब्ध कराई हैं ताकि अच्छी से अच्छी प्रशिक्षण घोड़ों को ट्रेन करने के लिए राइडर्स को ट्रेन करने के लिए दिया जा सके और हमारी तैयारी बहुत सही दिशा में जा रही है और प्रोग्रेस बहुत अच्छी है बहुत से यंग घोड़े और यंग राइडर्स उभर के आए हैं सितंबर 2018 में होने वाले एशियन गेम्स को लेकर आरवीसी के क्रॉस कंट्री मैदान पर घुड़सवारों के बीच जंग छिड़ी हुई है ये क्रॉस कंट्री का मैदान है आप देख सकते हैं कि घुड़सवार किस तरह से मुश्किल बाधाओं को पार कर रहे हैं ये वर्टिकल बाधा है जिसे ये चेस्ट नंबर 38 है और ये घोड़े पर सवार हैं और ये बाधाओं को पार करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से ये वाटर जंप है बहुत ही मुश्किल होता है इस जंप को पार करना और उसके बाद जंप नंबर 16 यानी कूपन जंप इसको बोला जाता है बहुत ही छोटी सी जगह में से घोड़ा निकलता है और अगर क्लियर कर जाता है जंप को तो वो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है कुल मिलाकर इस पूरे इवेंट के अंदर जो क्रॉस कंट्री होता है ये पूरी तरह से एशियन गेम्स के लिए यहां पर जो घुड़सवार आए हुए हैं पूरे देश के कोने कोने से उनके बीच ये जंग है कि आखिरकार किसे एशियन गेम्स का टिकट मिलेगा और उसी की जद्दोजहद है वाटर विद ब्रश जंप को पार करने के बाद इस बाधा से बाहर निकलने के बाद कुल 21 बाधाओं को पार करना है कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट में यानी कि मुश्किलें आपके सामने हैं बाधाएं आपके सामने हैं उन मुश्किलों का सामना करते हुए जो जवान है वो अपने घोड़े को भी एक जवान की तरह ही तैयार करते हैं और उसके बाद इन बाधाओं को पार करते हुए सीधा अगर निशाना होता है तो वो मेडल की तरफ होता है और यही देश उम्मीद भी करता है कि घुड़सवार जाएं खेलों में ओलंपिक हो एशियन गेम्स हो या फिर कोई दूसरे खेल हो वहाँ से गोल्ड मेडल कम से कम हासिल करके लौटें और घोड़ों की रफ्तार ये बताए कि हिंदुस्तानी घोड़े जब सवार होते हैं तो उनकी धमक पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सुनाई देती है कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मोहसिन खान सिटी हलचल TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 पालियों में होने वाले इस टेस्ट के लिए सभी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और एग्जाम पेपर भी कड़ी सुरक्षा में मेरठ ट्रेजरी में रखवा दिए गए हैं जो सभी परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम शुरू होने से पहले पहुंचा दिए जाएंगे जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह ने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि एग्जाम को लेकर सभी केंद्रों पर आवश्यक बैठक और इंतजाम हो चुके हैं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी केंद्र पुलिस बल की सुरक्षा में रहेंगे बता दें कि TET परीक्षा में सुबह की पाली में प्राइमरी टीचर के लिए 4,226 और दूसरी पाली में जूनियर स्कूल टीचर के लिए 19,455 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। सुबह की परीक्षा 7 केंद्रों पर और दूसरी पाली की परीक्षा 36 केंद्रों पर होनी है परीक्षा पर निगाह रखने के लिए 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं प्रवेश पत्र देखने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाएगा 10 बजे। हाँ।
हमारी पूरी तैयारी हो गई है उसको लेके, और मीटिंग आज सारे परीक्षा केंद्रों पे जो केंद्र व्यवस्थापक ने सारी मीटिंग कर ली है और सब ने बता दिया कि हमारी पूरी तैयारी है। सुबह के पाली में 7 सेंटर हैं और शाम को 36 सेंटर हैं। सुबह को 4,222 के करीब परीक्षार्थी बैठेंगे, शाम को 19,455 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, और पुलिस दल लगा हुआ है सेंटरों पर भी और वैसे भी, जिससे हमारी परीक्षा जो है नकलविहीन और सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी, हमें उसकी उम्मीद है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में शिवचौक के पास ट्रक के नीचे कुचलकर 30 वर्षीय महिला बबली की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। दरअसल साधुनगर में रहने वाले विकलांग प्रमोद की पत्नी बबली घरों में साफ सफाई का काम करती है। शनिवार को वो रामनगर रोड से साइकिल से आ रही थी, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते बबली गिर गई और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने पर मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद नजर डालेंगे शहर की कुछ और खबरों पर। आप देखते रहिए सिटी हलचल।